मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस न्यूज़, मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। गंगा सागर मेला में है और मेला में आप देख सकते हैं बारिश हो गई है, मौसम थोड़ी सी खराब है, मगर उसके बावजूद भी यहां पर जो तीर्थ स्थल के लिए जो लोग यात्री आए हुए गंगा सागर स्नान के लिए, सभी लोग का सारे तरीके से हर चीज़ का इंतजाम है। सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा है, कोविड प्रोटोकॉल को पूरा मेंटेन है, सभी लोग मास्क वगैरह लगा करके है। अभी हम लोग अखिल भारतीय आजमगढ़ सेवा संघ के अंदर में है, हम उनसे कुछ बातें करते हैं। आपका सरप्रस्त न्यूज चैनल में स्वागत है, इस्तकबाल है। धन्यवाद। गंगा सागर के बारे में बताएं आप। देखिए, गंगा कहते हैं कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, तो ये बहुत ही, जहाँ तक हिंदुओं की मान्यता की बात है, तो बहुत ही पवित्र तीर्थ है। हर हिंदू चाहता है कि जब तक जीवन में एक बार कसम गंगा सागर जरूर करें, ताकि उनके जो पुरखे हैं या जो उनके खानदान में जो गुजर गए हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले। तो इसलिए इस मायने से बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है ये आजमगढ़। अखिल भारतीय जो सेवा संघ है, कितने सालों से गंगा सागर के जो तीर्थ स्थल के लिए जो लोग भी स्नान के लिए आते, कितने सालों से सेवा कर रही है, खिदमत कर रही है? देखिए, हम लोग ये सेवा पिछले 36 सालों से कर रहे हैं जी। ये हमारा 36वां वर्ष है यहाँ गंगा सागर सेवा कैंप, सेवा शिविर का कैंप लगाने में। हम पूरे हिंदुस्तान के आए हुए सभी तीर्थयात्रियों के लिए यहाँ व्यवस्था करते हैं और अपने तरफ से क्या क्या इंतजाम है। जितने भी तीर्थयात्री हैं उनके लिए मुफ्त आवास की व्यवस्था है जी। मुफ्त भोजन की व्यवस्था है, डॉक्टर नर्स, कोई तीर्थयात्री अगर बीमार हो जाता है तो उसका हॉस्पिटल का जो खर्च पड़ता है वो हम लोग संपूर्ण पूरा अपने पर उसको बियर करते हैं। और कोई तीर्थयात्री अगर खो जाता है तो उसको घर तक पहुंचाने की व्यवस्था, अगर कोई तीर्थयात्री मर भी जाता है तो उसके गांव तक उसको पहुंचाने की हम लोग व्यवस्था करते हैं, या उसके परिजन जैसा कहते हैं, कहेंगे कलकत्ता में जलाना है तो हम लोग कलकत्ता में जला देते हैं, उनकी अस्थियाँ भिजवा देते हैं या उनके लोग आ जाते हैं। उस तरीके से हम लोग प्रयत्न करते हैं कि मेला प्रांगण में किसी भी आदमी को कोई तकलीफ ना हो, सबका प्रयास रहता है। बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं, करीब 52 यहाँ पे हैं, लेकिन सभी का प्रयत्न रहता है मानव सेवा करना, हम लोग भी उसी तरीके से प्रयत्न कर रहे हैं। और ऊपर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों को इतनी शक्ति दें कि इस विकट परिस्थिति में भी हम, ये जो कोरोना काल उसमें भी हम अपना इस सेवा का कार्य चालू रखें। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जितने भी तीर्थयात्री आए हैं पूरे हिंदुस्तान से, जो हमारे कैंप में ठहरे हैं या जो किसी भी कैंप में ठहरे हैं, वो स्वच्छ और सुरक्षित अपने गांव पहुंचे, स्नान कर कर करके अपने परिवार के बीच में जाएं। हमारी भगवान से यही प्रार्थना है, हम हमको उनका आशीर्वाद चाहिए। हम भगवान से कहते हैं, भगवान हमको स्वस्थ रखिए, सबको स्वस्थ रखें, ताकि हम बार बार इस तरीके की सेवा कर सकें और समाज का भला हो सके। इस बार गंगा सागर का शुभ अवसर, जो शुभ टाइम है, जो मुहूर्त निकला, वो कितने बजे का है? 14 तारीख का है, 14 तारीख दिन के 2 बजे के आसपास से है, 14 तारीख से 15 तारीख तक। यहाँ गंगा स्नान के लिए ले जाने के लिए कुछ सुविधाएं वगैरह आपके? देखिए, यहाँ से क्या है, यहाँ से बसें बहुत जाती हैं, लोग अपने प्राइवेट रूट से भी जाते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट भी व्यवस्था की है, गवर्नमेंट की सरकारी बसें भी जाती हैं यहाँ से, ट्रेन की भी सुविधा है नामखाना तक, उसके बाद में चीमागुड़ी। हाँ, स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही है स्पेशल जी, जी जी। यहाँ की सरकार की जहाँ तक बात कहूँ तो साफ सफाई में उन्होंने बहुत अच्छा ध्यान दिया है, पुलिस व्यवस्था प्रशासन भी बहुत तंदुरुस्त है, सुरक्षा और कोविड का भी प्रोटोकॉल यहाँ पर पालन किया जा रहा है, कोविड का टेस्ट किया जा रहा है। बहुत सी चीज़ें हैं जो पिछले 10-12 साल पहले जो नहीं दिखाई देती थी, इधर वो चीज़ें बहुत ही अच्छी लग रही हैं। यहाँ से लेकर के वहाँ गंगा सागर प्रांगण तक सभी चीज़ें संतोषजनक हैं। गवर्नमेंट के सपोर्ट के बारे में क्या कहते हैं? गवर्नमेंट का सपोर्ट है, गवर्नमेंट का सहयोग नहीं रहता तो हम लोग मेला लगाने में असुविधा होती, हम लोग मेला लगा ही नहीं सकते। आप अपने नाम बताएं, अपना ओहदा बताएं। जी, मैं ज्ञान प्रकाश सिंह, अखिल भारतीय आजमगढ़ सेवा संघ का अध्यक्ष हूँ इस संस्था का। चलिए, हमारे सामने में और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बातें करते हैं। आपका सरप्रस्त चैनल में स्वागत है जी। बताएं, गंगा सागर मेले में जो लोग आते सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, और यहाँ पर इसका बहुत महत्वपूर्ण है सनातन धर्म में, उनके बारे में आप बताएं। देखिए, गंगा सागर, ये पहले तो गंगा सागर सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार था जी। लेकिन अभी तो बहुत सुविधा हो गया, लोग एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा गंगा सागर जाते हैं, हम खुद 3 मर्तबा गए हैं। हम 32 साल से इस संस्था में हैं, सेवा कार्य में लगे हुए हैं, और अभी तक और जब तक हमारा स्वास्थ्य रहेगा ठीक तब तक सेवा करते रहेंगे,
और यात्रियों को आशीर्वाद मिलता रहेगा। क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहते हैं जो लोग गंगा सागर स्नान के लिए कलकत्ता बंगाल में आए हुए हैं? जो लोग बंगाल में आए हुए हैं, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि स्नान करके कुशल पूर्वक अपने घर वापस लौट जाए। कोरोना काल और कोविड का किस तरीके से मेंटेन किया जा रहा प्रोटोकॉल? कोरोना काल में सभी लोग मास्क लगा करके यहाँ पर है, जितने लोग हैं प्राय सभी लोग मास्क लगाए हुए हैं और सैनिटाइजर वगैरह सैनिटाइजर भी सबके पास है। और हमारे सामने में जो है, चलिए आजमगढ़ आखिर गंगा सागर मेला के लिए आए हुए हैं, यहाँ पर भी है अखिल भारतीय आजमगढ़ समाज के अंदर में अभी जो है बीजेपी के कदावर लीडर नवीन मिश्रा जी हमारे सामने मौजूद है, हम उनसे भी बातें करते हैं गंगा सागर के बारे में। प्लीज गंगा सागर मेला के बारे में बताएं। देखिए, सनातन धर्म का एक महापर्व है जी, और इस पर्व में हिंदुस्तानी नहीं दुनिया के लोगों की मान्यता है। और अरसे से ये 14 जनवरी को ये मकर संक्रांति का समय फिक्स है। सूर्य और चंद्रमा के थोड़ा सा रण के वजह से कभी कभी 2-4 घंटे आगे पीछे होता है। सबसे तो पहले गंगा सागर के इस प्रांगण में जो 52 संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के तमाम पदाधिकारियों को, उनको मदद करने वाले दानदाताओं को, सभी वॉलंटियर्स को, सब लोग को इसलिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान के इस कोविड के माहौल में भी जो लोग गांव देहात से आए हैं उसके लिए समुचित नाश्ते की व्यवस्था, दिन के खाने की व्यवस्था, शाम में नाश्ते की व्यवस्था, रात में खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, कंबल की व्यवस्था और जो चाय की, पूरे दिन गर्म पानी और चाय की व्यवस्था, रात में हल्दी देकर के दूध की व्यवस्था, साथ साथ जो लोग कमजोर हैं उनको आर्थिक दृष्टिकोण से उनके लिए बस सरकारी व्यवस्था हो या अपने तरफ से व्यवस्था हो करके उनको वहाँ भेज के स्नान करा के फिर उनके गाँव में भेजने की व्यवस्था, ये तमाम संस्थाएं जो हैं वो सनातन धर्म के रक्षक के साथ साथ मानवता के अच्छे रक्षक माने जाएंगे। साथ साथ धन्यवाद देना चाहूँगा राज्य की सरकार को, चाहे वो नीमखाना हो, सागर का एरिया हो, चाहे वो बाबूघाट का ये प्रांगण हो, चाहे कलकत्ता पुलिस हो, बंगाल पुलिस हो, कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, साथ साथ भारत सरकार के रेल मंत्रालय को, जो रेलवे की इतनी समुचित व्यवस्था उन्होंने स्पेशल ट्रेन के रूप में किया है, भारत सरकार के शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को, कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट को, इनलैंड वाटर बेस को, भारत सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के सब लोगों को धन्यवाद है। साथ साथ आपके चैनल के माध्यम से माननीय न्यायालय को भी, कलकत्ता हाई कोर्ट के सभी बुद्धिजीवी जो जजेज हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने सनातन धर्म के इस महापर्व का, इस कोविड काल में भी आपने रक्षा करने का काम किया है। हिंदुस्तानी नहीं दुनिया के तमाम सनातन को मानने वाले लोग हैं आपके प्रति इसलिए कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। साथ साथ आपने जो भी गाइडलाइन दिया है, चाहे वो केंद्र सरकार का हो, चाहे वो राज्य सरकार का हो, चाहे माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट का हो, चाहे कलकत्ता पुलिस का हो, तमाम लोगों के गाइडलाइन को, चाहे वो सैनिटाइजर यूज करने का मामला हो, चाहे वो फ्री वैक्सीनेशन का मामला हो, कोविड टेस्ट का मामला हो, चाहे वो मास्क लगाने का मामला हो, सोशल डिस्टेंसिंग का मामला हो, पूरी कोशिश तमाम संस्थाएं भी कर रहे हैं, लोग आम जनता भी कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि आजमगढ़ सेवा समिति के अध्यक्ष जी ने कहा, इनके चेयरमैन बहुत ही बुजुर्ग हैं हम लोग, उन्होंने अभी कहा कि एक अनुरोध हम संस्था की तरफ से कर रहे हैं कि लोग आराम से जाएं, स्नान करें और स्नान करने के बाद कलकत्ता महानगर या दूसरे को घूमने के उसमें न रहें, स्नान करें और सीधे अपने घर जाएं। घर जाने के बाद कोशिश ये करें कि अपने घर में, गांव में हो, कस्बा में हो, मोहल्ले में हो, शहर में हो, कम से कम 3 दिन अपने घर पे रहें, आराम करें, अपना गर्म खाना खाएं, गर्म दूध पिए, गर्म चाय लें, गर्म पानी लें और 3 दिन तक आराम करने के बाद, ताकि समाज को, जो हमारा दायित्व है समाज को ही बचा के रखने का इस कोविड काल में, उसका भी निर्वहन होगा। क्योंकि भारत सरकार और राज्य सरकार ने साथ साथ WHO ने जो कहा है कि 3 दिन होम आइसोलेशन, 7 दिन का दिया है लेकिन 3 दिन तक मिनिमम होम आइसोलेशन अगर हो जाता है तो इस बीमारी से निजात पाया जा सकता है। इसलिए तमाम संस्थाएं, सभी संस्था के अध्यक्षों को, खासतौर से आजमगढ़ सेवा समिति जहां बैठे हैं, इनके आजमगढ़ सेवा संघ के सभी पदाधिकारियों को, सभी कर्ता धर्ता को, सभी समाज सेवियों को, सभी मददानदाताओं को धन्यवाद इसलिए है कि इतना बढ़िया गाइडलाइन के साथ ये लोग इतने अच्छे ढंग से सेवा कर रहे हैं। जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग गंगा स्नान के लिए आए हैं, जो 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 धर्मनिरपेक्ष समाज के भी लोग यहाँ आए हैं, काफ़ी लोग
धर्मनिरपेक्ष समाज के भी काफी लोग हैं, जहां आप देखेंगे कि लोग जाति धर्म से उठ के, कई संस्थाएं हैं कि जाति धर्म से उठ के जो है यहाँ गंगा सागर के इस स्नान को महापर्व के रूप में लोग स्नान कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे आज इस संस्था के माध्यम से भी, ये कलकत्ता का सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते भी आज आपके चैनल से मांग कर रहा हूँ कि भारत के देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी, देश के संस्कृति मंत्री जी और देश के तमाम कैबिनेट कुंभ मेला की तरह गंगा सागर को भी राष्ट्रीय मेला के रूप में घोषित करें, ताकि जो अभी व्यवस्था राज्य सरकार या केंद्र सरकार करती है या तमाम संस्थाएं करती हैं उसमें मजबूती आ पाए। और सनातन धर्म का जो ये महापर्व है, ये महापर्व के लिए हम भारत सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर मजबूती से सेवा कर पाए, ये हमारी मांग आपके चैनल से भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम और भी लोग हैं, हम उनसे भी बातें करेंगे। आपका सरप्रस्त चैनल पर स्वागत है जी, बताएं क्या इंतजाम है, किस तरीके से लोग देख रेख कर रहे हैं? इंतजाम तो खैर बहुत बढ़िया है यहाँ पर है। यहाँ पर जितने भी तीर्थयात्री आते हैं उनको मुफ्त भोजन, रहने की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था और जो भी मैंने उनके असुविधा के लिए, की पूर्ति के लिए जो भी काम होता है वो सब हम लोग करते हैं। इसका इस कैंप का मेनली जो फाउंडर मेंबर जो हैं हमारी गंगा जमुनी तहजीब के लोग थे, जनाब अबुल हसन जी यहाँ के MLA थे यूरोपन स्ट्रीट में, और जय जय राम सिंह दोनों जो है संस्था का फाउंडर मेंबर है, इसको स्थापना करने वाले लोग हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ डोनेशन जो मदद करने वाले हैं उसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सारे लोग हमारे यहाँ। तो इसको हाँ, तो इसको लेकर के हम लोग चल रहे हैं। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी आदमी आकर के डोनेशन कर सकता है, दान दे सकता है, यात्रियों के सुविधा के लिए सब कुछ कर सकता है। यही सब है बात। बाकी हम तो प्रशंसा करेंगे श्रीमती ममता बनर्जी जी का, जिन्होंने आज के 10-20 साल पहले गंगा सागर की जो व्यवस्था थी बहुत ही टफ थी, लेकिन आज गंगा सागर हमेशा लोग जा रहे हैं। आज तीर्थ घाट बना दिया गया है, हाँ, बहुत सुंदर व्यवस्था वहाँ कर दी गई है। मंदिर कपिल मुनि के मंदिर जो है उसके सामने बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है, और राजा सागर के पुत्रों का माने उद्धार करने के लिए राजा भगीरथ ने जो प्रयास किया था उस प्रयास को सफल करने में ममता बनर्जी सहयोग कर रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोगों के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। हम ममता बनर्जी जी का भूर प्रशंसा करेंगे। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ पुलिस प्रशासन और सारी व्यवस्था PHC का जो भी है, सारी व्यवस्था हम जो है सराहनीय है, उनकी हम बराबर सराहना करते हैं। और आप हम अपने चीफ मिनिस्टर से चाहेंगे कोशिश कि हमारा जो वहाँ जो ब्रिज बनता है वो एक तो ब्रिज अगर बन जाए वहाँ पर 8 नंबर जेटी के पास से लेकर के उस पार तक, तो हम लोगों के लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। क्या नाम हो गया आपका? हमारा नाम गंगा सिंह है, अखिल भारतीय आजमगढ़ सेवा संघ के उपाध्यक्ष हैं। चलिए, अभी उपाध्यक्ष साहब से हम लोग बातें कर रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छे जुमले का इस्तेमाल किया। देखिए, हमारा जो आजमगढ़ समाज है, ये समझिए गंगा जमुना जो तहजीब है, यहाँ की संस्कृति है, उनको लेकर दर्शाया गया है। हम लोग सभी लोग का सम्मान करते, ये करते, भाईचारे का संदेश देते, ताकि मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो एकता का माहौल है, भाईचारे का माहौल है, वो जिंदा रहे। सभी लोग अपने त्योहारों को खुशी के साथ मनाएं, इज्जत के साथ मनाएं, सभी लोग एक दूसरे के त्यौहार के